हे गाइस, वेलकम टू मधुमोहित चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डीआईवाई हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क। और इस डीआईवाई हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क लगाने के बाद मेरे जो हेयर्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट, सिल्की और स्ट्रेट हो गए हैं। साथ में मेरे हेयर्स को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी मिला है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि बार बार पार्लर में जाके स्ट्रेटनिंग करवाने का टाइम हमारे पास नहीं होता है, और ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करवाने से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। सो ये डीआईवाई मास्क जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्ट्रेटनिंग के साथ साथ आपके बालों को डैंड्रफ फ्री भी करेगा, और साथ में आपके बालों को सॉफ्ट शाइन भी प्रोवाइड करेगा, वॉल्यूम भी आपके बालों में इंक्रीज़ करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। और इस डीआईवाई मास्क का जो बेस्ट रिज़ल्ट है, अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिले तो प्लीज़ इसको हफ्ते में दो बार यूज़ करिए अगर पॉसिबल हो सके तो, अदरवाइज़ आप हफ्ते में एक बार भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। डीआईवाई हेयर मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी बाउल और स्पून लिया है, और अब मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब दही ऐड करूँगी। दही एक नेचुरल कंडीशनर की तरह हमारे हेयर्स के लिए काम करता है, और इसमें साथ में ही प्रोटीन और कैल्शियम भी होता है जो कि कर्ली बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि कर्ल बालों को ये स्ट्रेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं जो कि हमारे बालों को डैंड्रफ फ्री करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब दही को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक पेस्ट के जैसे बन जाए, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और अब मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। कोकोनट ऑयल स्ट्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे हेयर को। 1 टेबल स्पून अब मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करूँगी। कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों को रीग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ में ये हेयर फॉल को भी काफ़ी कम करता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैं एलोवेरा जेल यहाँ पर यूज़ करूँगी। साथ में पतंजलि का मैंने शहद लिया है, आप किसी भी ब्रांड का शहद यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे शहद यूज़ करेंगे। शहद एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है हमारे हेयर्स में, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट भी करता है और साथ में हमारे जो इचीनेस का प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी अच्छे से ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम पेस्ट के जैसे हो गई, जैसे कि कंडीशनर हो, एक तरह से कंडीशनर के फॉर्म में आ गया। और अब लास्ट में मैं यहाँ पे ट्रेसमे का कैरेटिन स्मूथ हेयर स्ट्रेटनिंग शाइनी हेयर कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। आपका जो फेवरेट कंडीशनर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून करीब कंडीशनर यूज़ करूँगी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे और ये एकदम पेस्ट के जैसा बन जाए। सो गाइस, हमारा डीआईवाई मास्क एकदम रेडी है अप्लाई करने के लिए।
और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम कंडीशनर के जैसे है। और इसको अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को मेक श्योर आपके बाल धुले हुए हों एक दिन पहले, ताकि जब हम इस मास्क का यूज़ करें तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे। अगर आप गंदे बालों में इसको अप्लाई कर लेंगे तो ये उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा जितना कि एक साफ़ धुले हुए बालों में ये इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा। सो एक दिन पहले आप हेयर वॉश कर लीजिए एंड नेक्स्ट डे आप इसको अप्लाई करिए तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। और फ्रेंड्स, बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप हफ्ते में दो बार इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर दो बार आप इसका यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीक में एक बार भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको फर्स्ट जो यूज़ आप करोगे पहली बार अगर आप इस DIY मास्क को अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टाइम से ही आपको जो रिज़ल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। और मैंने अपने हेयर्स का टैंगल्स रिमूव कर लिए पार्टीशन करके, अब मैं धीरे धीरे करके इसको अप्लाई करूँगी। आप पार्टीशन करके आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ब्रश की हेल्प से, पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और मुझे ज़्यादा इजी रहा फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करना, इसलिए मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। और पार्टीशन भी मैं अपने हाथ से ही, यानी कि फिंगर की हेल्प से ही पार्टीशन करके इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉम्ब की हेल्प भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं जब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो हल्का हल्का फिंगर से मसाज भी करती जा रही हूँ, ताकि जो ये पेस्ट है वो स्कैल्प के साथ साथ हमारे रूट में भी काफ़ी अच्छे से चला जाए, क्योंकि दही एक नेचुरल कंडीशनर है हमारे हेयर्स के लिए। मैंने स्कैल्प में पूरा अप्लाई कर लिया और अब मैं जो मेरे हेयर लेंथ है उसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि स्कैल्प के साथ साथ हमारे हेयर जो लेंथ है हेयर की उसमें भी काफ़ी अच्छी शाइन देखने के लिए मिले।
मास्क अब पूरी तरह से मेरे बालों में लग चुका है और अब मैं यहाँ पे अपना DIY बनाया हुआ शावर कैप पहन लूँगी, क्योंकि इसको लगाने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का वेट हमें करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने बालों में ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे बालों में एकदम प्रोफेशनल लुक आए। जैसे कि हम पार्लर वगैरह में कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारे बालों को वो लोग ड्रायर करते हैं और स्ट्रेटिंग भी करते हैं उस टाइम पे। और पर यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे बाल जो हैं प्रॉपर सेट हो जाएँ शावर कैप के अंदर। और बस इसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। मिनिमम हमें 1 घंटा रखना है और मैक्सिमम 2 घंटे तक, अगर आप रख सकते तो इसको रखिए 2 घंटे तक। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से या फिर ल्यूक वार्म वाटर से मिक्स करके वॉश कर लीजिए। और उसके बाद आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शैम्पू आप कर लीजिए कोई भी अपने शैम्पू चॉइस का। और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये DIY।